हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माइंड लैब्स। आज हम एक और पर्सनैलिटी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और ये पर्सनैलिटी टाइप है ESTJ। ESTJ पर्सनैलिटी टाइप जो है, इसके बारे में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हम बात करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते कि वो कौन सी टाइप है, तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर personalitymax.com वेबसाइट सर्च करके जो टेस्ट दिया गया, फ्री टेस्ट है। पहले वो $39 का था, वो फ्री है, वो आपने पूरा कंप्लीट करना है। उसमें आखिरी दो टेस्ट जो दिए गए, एनीग्राम टेस्ट है, वो आप छोड़ सकते हैं, और इससे पहले एक और टेस्ट है लेफ़्ट हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, वो छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो तीन दिए गए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। और उस जो टेस्ट के बाद जो PDF जनरेट होगी, उस PDF को आप अगर किसी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल के पढ़ के, और उसको बार बार जब भी कहीं जॉब पर अप्लाई करने लगे उसको पढ़ें, तो आप जिस जॉब पे भी जाएंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में जानते होंगे। और ये सवाल जो है, जब भी आपसे होगा तो आप उस पर बड़ा मुनज़्ज़म और बहुत ही सुलझा हुआ जवाब देंगे, जिससे अगलों को पता लगेगा कि कोई बंदा हमारे पास है। क्योंकि जो HR वाले होते हैं, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स वाले, ये साइकोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, इनको पता होती है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है कि दिमाग, ह्यूमन के पास क्या चीज़ है खास, दिमाग। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले जो है ना, वो दिमाग पे बहुत काम करते हैं, ये साइकोलॉजिकली बड़े ज़हीन होते हैं। तो ये देखते हैं जो इंटरव्यू में बंदा हमारे पास बैठा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप देखें, अगर 1000 में से सबके 950 मार्क्स हों किसी एंट्री टेस्ट पे, किसी जॉब के एंट्री टेस्ट पे, तो फिर भी इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर 1000 में से सबके 950 मार्क्स ना भी हों, ऊपर नीचे भी हों, लेकिन कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं हाई मार्क्स के साथ भी, उसकी वजह होती है उनकी पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बाद में आपको पता लगेगा। अभी तो मैं फ्री आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आप देखें दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो पेड करवाती हैं ये चीज़ें। मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन फॉरेन में इसकी बहुत वैल्यू है और पेड होता है ये सब कुछ। सो कंटिन्यू करते हैं। और वैसे भी अगर आप फॉरेन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता होना चाहिए। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द कोर्स। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको, मैंने बता दिया कि आपने टेस्ट करना है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप ESTJ है तो आपने ये कोर्स कंप्लीट करना है। छोटा सा कोर्स है। ESTJ का मतलब है एक्सट्रोवर्टेड, सेंसिंग, थिंकिंग, जजमेंटल। और क्वालिटीज़ एज एन एम्प्लॉई आपके अंदर जो हैं, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो चार पॉइंट्स हैं ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं इस वीडियो में। आपने सर्च करना है मेरे चैनल पर जाकर, MBTI माइंड लैब्स, ठीक है। मेरे चैनल पर जाएं या वैसे ही सर्च कर लें यूट्यूब पे MBTI माइंड लैब्स, तो आपको ये वीडियो मिलेगी 23 मिनट की। इसको पूरा देखना है, इसमें इन चार फैक्टर्स के बारे में डिटेल से समझा दिया गया। अब बात करते हैं ESTJ के बारे में, क्वालिटीज़ एज एन एम्प्लॉय। ESTJ जो होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इनमें एंड टीम वर्क होता है, टीम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, डिपेंडेबल एंड रिलायबल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्लियर एंड लॉजिकल कम्युनिकेटर होते हैं। तो ये एज ए टीम लीडर बहुत अच्छे होते हैं। क्वालिटीज़ एज ए सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर आपकी क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट सर्विस, क्लियर एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन होती है, डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी होते हैं, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक सॉल्यूशंस होते हैं, फोकस्ड ऑन अचीविंग क्लाइंट गोल्स। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आपके उस सर्टिफिकेट के साथ आप अपना कहीं पर इनको डिस्प्ले करेंगे, तो आपके लिए जो जॉब की या आपको जो भी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं वो आपके लिए ज़रा ईजी हो जाएंगी। जाहिर है वो आपसे ये डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट जो बनेगी टेस्ट करने के बाद, उसको ज़रा डिटेल से पढ़ें, और अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसको डिटेल से पढ़ें। और ESTJ पर्सनैलिटी के बारे में जितना डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, काइंडली इसको डिटेल से स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कोर्स, दिस इज़ फॉर नाउ। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और पर्सनैलिटी टाइप के कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।